तो जब जब चुनाव होते हैं तो आपने देखा कुछ इसी तरह के उड़न खटोले हैं जो आपको नजर आते हैं, और वो उड़न खटोले इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इन उड़न खटोलों के जरिए स्टार प्रचारक पहुंचते हैं अपने तमाम लोगों के साथ, और पहुंचते हैं वो उन नेताओं के लिए क्योंकि यही वो नेता है जो जनता को प्रभावित करते हैं, और जनता को प्रभावित करती है इसलिए क्योंकि ये स्टार प्रचारक हवा के रुख को मोड़ने का काम करते हैं। वो हवा का रुख जो राजनीति से रिलेटेड होता है, वो हवा का रुख जो कहीं ना कहीं हार को जीत में और जीत को हार में बदल देता है, इसलिए इन चेहरों की जरूरत होती है। ये वो चेहरे हैं मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये वो उड़न खटोला है, ये वो मध्य प्रदेश शासन का हेलीकॉप्टर है जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर सभी लोग आए हैं, और ये सभी लोग बैठ कर जाएंगे एक सभा को संबोधित करने के लिए। महगांव में इस वक्त हम मौजूद हैं, और महगांव में तमाम बातों के साथ साथ मेरे पीछे आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर मौजूद हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं, और ये सभी इस गाड़ी में बैठकर एक सभा को संबोधित करने जाएंगे। ये देखिए हाथों में सैनिटाइजर लगाया जा रहा है, हाथों में सैनिटाइजर इसलिए भी लगाया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में एक बेहतर तरीके से यहाँ पर सुरक्षित करने की जरूरत नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे क्योंकि चंबा संभाग में एक प्रतिष्ठा का प्रश्न। आदाब, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, कैसा लग रहा है? शुभकामनाएं। ये उपचुनाव कितना है? ये उपचुनाव है इंसाफ का, विकास का और प्रगति का, और परचम लहराएगा भाजपा का। तो आपने जिस उद्देश्य के साथ आज ही पूरा हो रहा है 150 करोड़ के विकास, एक नहर योजना और 250 करोड़ रुपए की शिलान्यास हम लोग कर रहे हैं, और विकास प्रगति की गंगा इस क्षेत्र में हम बहाएंगे मिलकर, और इस क्षेत्र का कायाकल्प करने का जो प्रतिज्ञा हमने ली थी वो हम संभव कराएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि विकास का ये चुनाव है, विकास की ये लड़ाई है, और इस विकास की लड़ाई में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक धारा के साथ आगे बढ़ रही है, तमाम बातों के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन परिणाम क्या होगा ये देखना वाली चीज है।